तो हेलो गैस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो वापस आ चुके हैं GTA 5 की एक और नई वीडियो के साथ और अपने इंडियन कार के साथ। और गैस, आज हम लोग करने वाले भाई GTA 5 में अपनी इंडियन कार के साथ भाई एक्सट्रीम फायर टेस्ट। और गैस, आज का जो भाई एक्सट्रीम फायर टेस्ट है वो मैं सबसे पहले दिखाता हूँ भाई आप लोगों को कैसे होने वाला है। तो गैस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, दो बड़ी बड़ी भाई हमने दीवारें लगा के रखी हुई हैं। और यहाँ पे देख सकते हो भाई, आग लगी हुई है भाई इन दीवारों पर। लेकिन भाई, हमें इनसे मतलब नहीं है भाई, अपनी इंडियन कार भाई इसके बीच से निकलने वाली है। और गैस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई, जो आग की जो फ्लेम्स है भाई, मतलब कि जो लपटे हैं भाई, वो कितनी ज़्यादा तेज़ हैं। और भाई, मैं बिल्कुल भी इसके पास नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई माइकल भाई एकदम जल जाए भाई इसके पास जाके। और भाई साहब, ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होने वाला है भाई अपनी इंडियन कार के साथ। पता नहीं भाई, शायद ही कोई ऐसी गाड़ी होगी जो इसे सर्वाइव कर पाए। तो भाई, जल्दी से मैं आप लोग को इसका एक लुक पास से दिखा देता हूँ। तो गैस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई साहब, जो आग है ना गैस, वो बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा आ गया है। तो भाई, देखते हैं अपनी कौन सी इंडियन कार भाई यहाँ पे इस टेस्ट को पास कर पाती है। तो भाई, जल्दी से भाई एक एक इंडियन कार को लेते हैं और इसके बीच से भाई निकाल के देखते हैं भाई अपनी कौन सी इंडियन कार भाई पार हो पाती है। तो गैस, यहाँ पर जो भाई सबसे पहली गाड़ी होने वाली है भाई, वो है भाई अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो S11। और भाई साहब, हम लोग गाड़ी को फुल स्पीड पर लेके जाएंगे इसके बीच से, क्योंकि देर तक रुके तो भाई गाड़ी फट भी सकती है। और ये निकली भाई अपनी महिंद्रा के स्कॉर्पियो। और भाई साहब, इतनी जल्दी भाई इसमें आग लग चुकी है। ओ वेट 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 भाई, मुझे उतरना पड़ेगा इससे, नहीं तो भाई गाड़ी जो है भाई फट सकती है। बहुत ही जल्दी मुझे इसे दूर होना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई, जो गाड़ी भाई अपनी सर्वाइव कर पाती है नहीं कर पाती। ओ भाई साहब, टायर्स जो है भाई यहाँ पर भाई अपनी स्कॉर्पियो का एक टायर। ओ भाई साहब, यहाँ पर भाई जो अपनी स्कॉर्पियो भाई पूरी की पूरी फट चुकी है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो भाई, अपना इधर का टेस्ट ना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो गया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया है। तो भाई, यहाँ पे जो अपनी स्कॉर्पियो है वो तो सरवाइव नहीं कर पाई। तो जल्दी से लेते हैं अपनी नेक्स्ट कार को। तो गैस, यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी किया सेल्टॉस। और भाई, गाड़ी को हम लोग फुल स्पीड में लेके जाएंगे पूरा। तो भाई, जल्दी से गाड़ी को पूरी रेस दे देता हूँ। और ये चली भाई अपनी किया सेल्टॉस यहाँ पे। और भाई, ये निकली भाई साहब आग के बीचों बीच से। ओ भाई साहब, किया सेल्टॉस में भी गैस आग लग चुकी है। और भाई, हम लोग इसे बुझाने वाले तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जल्दी से भाई गाड़ी को यहाँ पार्क कर देता हूँ। और भाई साहब, ओ भाई, इसकी तो आग मुझे लग रहा है बुझ गई। नहीं 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 गाइस, टायर्स इसके सारे फट चुके हैं, लेकिन गाड़ी में, ओ भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब गाड़ी की आग जो थी वो एकदम बुझ चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भाई जो गाड़ी है वो फट गई यार। मुझे लगा था एक पल को भाई अपनी जो किया सेल्टॉस है वो सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन भाई नहीं, अपनी किया सेल्टॉस भी यहाँ पर जो है पूरी पूरी दग चुकी है। तो भाई, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। तो गाइस, अब जो हमारी अगली गाड़ी हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं वो है भाई अपनी महिंद्रा की XUV 500। तो देखते हैं भाई, जो अपनी XUV 500 है भाई, ये सरवाइव कर पाती है कि नहीं कर पाती है। और भाई, ये चलिए अपनी XUV 500 और देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पर। और भाई, यहाँ पर जो भाई अपनी XUV 500 भाई, इसमें भी बहुत ही ज़्यादा लपटे लग चुकी हैं। और भाई, ये क्या गाड़ी चलते चलते रुक कैसे गई भाई मेरी। और यहाँ पे आग जो है भाई वो बुझ चुकी है, लेकिन फिर भी उतर जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जो सीन है ना भाई बहुत ही गलत हो जाता है। ओ भाई साहब, क्या सही टाइम पे भाई मैं उतरा हूँ। अगर हल्की सी भी देर हो जाती ना तो भाई मैं गाड़ी के साथ पूरा फट गया होता। और भाई, अब ये जो गाड़ी है भाई मेरे किसी भी काम की नहीं रही भाई साहब। पूरी हालत देखो यार, नंबर प्लेट एकदम टनाटन है भाई गाड़ी की, नंबर प्लेट भी कुछ नहीं हो, लेकिन जो गाड़ी है भाई वो एकदम बेकार हो चुकी है, यहाँ पे किसी काम की नहीं। तो भाई, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। तो गाइस, अब जो हमारी अगली गाड़ी है यहाँ पे वो है भाई अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर। और देखते हैं भाई, जो अपनी फॉर्च्यूनर लेजेंडर है भाई, इसके साथ क्या होता है। हालाँकि भाई अपनी कोई भी गाड़ी मुझे पता है इसमें बचने नहीं वाली है, लेकिन फिर भी देखते हैं भाई, हो सकता है कोई गाड़ी अपनी बच जाए यहाँ पर। और ये चलिए भाई साहब अपनी लेजेंडर यहाँ पर। और गाइस, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई अपनी लेजेंडर में भी पूरी आग। ओ भाई, गाड़ी झटके ले रही है, बहुत ही ज़्यादा झटके ले रही थी गाई, गाड़ी बहुत झटके ले रही थी। मैं जल्दी से उतर जाता हूँ। ओ भाई साहब, टायर फट गया, फटती होगी भाई किसी भी वक्त ये। और भाई साहब, यहाँ पे जो अपनी लेजेंडर है भाई, वो भाई एक ही झटके में भाई फट के एकदम डिब्बा बन चुकी है। ओ भाई, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई भाई यहाँ पर अपनी लेजेंडर की, मतलब पूरी गाड़ी भाई सफ़ेद से काली हो चुकी है। और भाई, ये किसी काम की नहीं, तो भाई इसको हटाते हैं हम यहाँ से। तो गाइस, अब जो हमारी अगली गाड़ी है यहाँ पे वो है भाई अपनी टाटा हैरियर। देखते हैं गाइस, जो अपनी हैरियर है भाई, इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है भाई। फुल स्पीड में लेके जा रहे हैं भाई। और ये रही भाई यहाँ पे फ्लेम्स। ओ भाई साहब, यहाँ पर गाइस जो अपनी हैरियर भाई, इसमें भी आग लग चुकी है। और भाई साहब, हैरियर भी यहाँ पर झटके ले रही है, बहुत ही बुरे झटके ले रही है भाई। मैं जल्दी से उतर के भाई इससे दूर हो जाता हूँ, वरना भाई साहब धमाका कभी भी हो सकता है। और गैस, यहाँ पे जो आग है वो फट गई, लेकिन भाई इस गाड़ी भाई एकदम फट गई यार, मतलब लगता है कि फटेगी नहीं, लेकिन फिर अचानक से भाई जो है ब्लास्ट हो जाता है यहाँ पे। और भाई साहब, एक बार आप लोग हैरियर की हालत पाओ, भाई इसकी सीटें भी जल गई हैं भाई,
मतलब जो गाड़ी की सीटें हैं भाई वो आप देख लो भाई, क्या हाल हो गया भाई। डैशबोर्ड वगैरह सब एकदम ख़त्म ही हो गया है गाड़ी का, और भाई टायर्स तो एकदम बचे ही नहीं है भाई गाड़ी के। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी हैरियर है भाई वो भी भाई ये टेस्ट में फेल हो गई है। तो गाइस यहाँ पे जो मेरी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी टाटा सफारी डाइकोर। तो देखते हैं भाई जो अपनी डाइकोर है भाई इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और ये चली गाइस अपनी डाइकोर यहाँ पे, और भाई साहब काफ़ी ज़्यादा स्पीड में गई है गाड़ी, लेकिन भाई अपनी जो डाइकोर है भाई इसमें आग लग चुकी है। वो भाई गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुके हैं भाई, वो भाई 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 बहुत ही जल्दी मुझे उतरना पड़ेगा भाई। गाड़ी के जो ब्रेक हैं भाई एकदम भी नहीं लग रहे, और भाई जल्दी से दूर जाते हैं और देखते हैं भाई क्या होता है। ओ भाई साहब, ओ भाई यार टायर निकल के आ गया बाहर यार सफारी का। ओ भाई क्या बड़ा धमाका हुआ यहाँ पे भाई, टायर निकल के बाहर आ गया भाई साहब। देख सकते हो भाई क्या ही हालत हो गई है गाड़ी की, और भाई इसमें अभी भी आग लगी हुई है, तो मैं इससे दूर ही रहने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे अपनी टाटा सफारी डाइकोर थी भाई, ये भी भाई कुछ खास नहीं कर पाई अपने इस टेस्ट में, तो इसको हटाते हैं यहाँ से। तो गाइस अब जो हमारी अगली गाड़ी है यहाँ पे वो है भाई अपनी महिंद्रा की थार। तो देखते हैं भाई जो अपनी थार भाई वो यहाँ पे कर पाती कि नहीं कर पाती, वैसे भाई अपनी कोई गाड़ी नहीं कर पाई, तो भाई थार का भी बड़ा ही मुश्किल है। तो लेते हैं भाई थार को, पकड़ाते हैं भाई इसकी फुल स्पीड, और ये चली भाई अपनी थार। और भाई थार की स्पीड भाई काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो गई यहाँ पे। ओ गाइस यहाँ पे भाई अपनी थार में आग नहीं लगी भाई, ओ भाई ये कैसे हो गया भाई साहब। यहाँ पे गाइस जो अपनी थार है भाई इसमें ज़रा भी आग नहीं लगी, और मुझे लग रहा है भाई जो गाड़ी है ना भाई इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से भाई इसमें आग नहीं लगी। तो गाइस यहाँ पे जो मेरी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी महिंद्रा की थार। तो देखते हैं भाई जो अपनी दमदार थार है भाई यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। तो फुल रेस दे देते हैं भाई, गाड़ी अपनी ये वाली पटाखे छोड़ती है, और ये चली भाई अपनी महिंद्रा की थार। और गाइस थार ने भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड पकड़ ली है। ओ भाई साहब यहाँ पे मैं ये क्या देख रहा हूँ भाई, अपनी थार में भाई बिल्कुल भी आग नहीं लगी गाइस। वो भाई ऐसा कैसे हो गया, बस इसका जो शीशा है भाई मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा क्रैक हो गया या क्या हुआ है भाई, शीशे पर अजीब से निशान से दिख रहा है मुझे। लेकिन गाइस जो अपनी थार है भाई यहाँ पे वो सर्वाइव कर गई है, हालांकि शीशा जल गया लेकिन भाई गाड़ी जो है भाई अपनी फटी नहीं, ना ही इसके टायर्स में लगी। और मुझे लग रहा है भाई क्योंकि इस गाड़ी की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी जिसकी वजह से भाई ये गाड़ी भाई बच निकली है भाई वहाँ से, भाई आग को चकमा दे गई है। तो कैसे अपनी पहली जो गाड़ी भाई जो ये टेस्ट सर्वाइव कर पाई है भाई वो भाई अपनी महिंद्रा थार है। तो इसको मैं यहीं पर ही पार्क कर देता हूँ कहीं पर, और भाई गाड़ी भाई अपने बढ़िया चल रही है एकदम, और कैसे हेडलाइट भी देख सकते हैं भाई एकदम सही चल रही है। तो कैसे अपनी थार भाई यहाँ पे सक्सेसफुली कर दिया, तो लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो कैसे यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी टाटा पंच। तो देखते हैं गैस जो अपनी टाटा पंच है भाई यहाँ पे इसमें क्या होता है भाई, क्या ये बच के निकल पाती है नहीं। और फुल थ्रॉटल दे रहे हैं भाई हम टाटा पंच को, लेकिन भाई इसकी स्पीड ज़्यादा नहीं लग रही, मुझे लग रहा है इसमें भी आग लगने वाली है। और कैस यहाँ पे जो अपनी टाटा पंच है भाई साहब इसमें भी आग लग चुकी है, गाड़ी अपनी ले रही झटके बहुत ही बड़े बड़े। ओ भाई इसको यहीं पर रोक लेता हूँ, ओ भाई मैंने थार के पास रोक दी, कहीं थार को ना कुछ हो जाए यहाँ पे। ओ भाई साहब दूर हो जाते हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो भाई अपनी टाटा पंच है गाइस उसमें तो भाई पूरी पूरी भाई ख़त्म हो चुकी है। और गाइस देख लो भाई क्या हाल हो गया भाई अपनी टाटा पंच का, सब पूरी तहस नहस हो गई गाड़ी। तो भाई अपनी टाटा पंच को यहाँ से हटाते हैं और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा। और गाइस अपनी इनोवा क्रिस्टा की जो स्पीड है भाई वो काफ़ी ज़्यादा धीमी है, लेकिन फिर भी भाई पूरा थ्रॉटल लेके देखते हैं भाई। और ये चली भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा यहाँ पे, और भाई काफ़ी कम पिकअप है इसका, और भाई यहाँ पे निकली भाई आग के अंदर से। और गाइस अपनी इनोवा क्रिस्टा में यहाँ पे जो है भाई आग लग चुकी है भाई, और भाई गाड़ी पटाखे मार रही है। ओ भाई साहब रोक देते इसको जल्दी से, ओ भाई आग बुझ चुकी है लेकिन भाई टायर्स के भी फट रहे हैं भाई, फट रखी। ओ भाई साहब भाई माइकल यार बाल बाल बचा है भाई। और यहाँ पे जो भाई अपनी गाड़ी है भाई ये पूरी पलट चुकी है। ओ भाई यार इसका टायर भी यहाँ पे निकल के बाहर आ गया है भाई, एक देख सकते हो भाई क्या हालत हो गई भाई यहाँ पे अपनी इनोवा क्रिस्टा की। तो भाई अपनी इनोवा क्रिस्टा भी गाइस इस टेस्ट में फेल हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी फोर्ड की एंडेवर। तो देखते हैं गाइस जो अपनी एंडेवर है भाई इसकी परफॉर्मेंस भाई कैसी रहती है, और काफ़ी ज़्यादा जानदार गाड़ी है। तो फुल थ्रॉटल लेते हैं एंडेवर को, और ये चली गाइस अपनी एंडेवर यहाँ पे, और भाई सब काफ़ी स्वीट पकड़ ली अपनी एंडेवर ने। ओ भाई यहाँ पर अपनी एंडेवर के सिर्फ पिछले पहियों में आग लगी है। ओ भाई ब्रेक फेल हो गए भाई साहब, ओ भाई यार ब्रेक फेल हो गए इस गाड़ी के। ओ भाई टायर आग बुझ गई, ओ नहीं 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 भाई आग नहीं बुझी है, मुझे लगा एक पल को भाई आई आग बुझ चुकी है, लेकिन गाइस ओ भाई फटी नहीं। ओ भाई साहब मुझे भाई मैं गाड़ी के पास जाने वाला था, अच्छा हुआ नहीं गया। ओ भाई जो गाड़ी है ना भाई बहुत ही ज़्यादा देर में फटी है भाई अपने एंडेवर, मुझे एक पल को लगा कि भाई जो गाड़ी की आग है वो बुझ जाएगी, अगर शायद मैं गाड़ी रोकता नहीं या चलाता रहता तो मुझे लग रहा है भाई इसकी जो आग है वो डेफिनेटली भाई बुझ जाती है यहाँ पे।
तो गाइस जो अपनी एंडेवर है यहाँ पे वो भी अपने इस टेस्ट में भाई फेल हो चुकी है, तो उसको हटाते हैं अब यहाँ से। तो गाइस अब जो यहाँ पे हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी ह्यूंडई क्रेटा। तो देखते हैं गाइस अपनी क्रेटा है भाई ये इसको सर्वाइव कर पाती कि नहीं, और फुल थ्रॉटल देते हैं भाई अपनी क्रेटा को। और ये चली गाइस अपनी क्रेटा यहाँ पे, और भाई यहाँ पे जो फ्लेम्स है भाई साहब, ओ भाई अपनी क्रेटा भाई से डेफिनेटली झेल नहीं पाई है। मैं जल्दी से भाई अपनी गाड़ी में हैंड ब्रेक लगा लेता हूँ क्योंकि भाई ऐसे टाइम पे ब्रेक्स तो हैं भाई फेल ही हो जाते हैं। और भाई हैंड ब्रेक वाला आइडिया काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था भाई, काम कर गया यहाँ पे। ओ भाई साहब मतलब देखने का मौका भी नहीं मिला भाई, इतनी जल्दी ये गाड़ी फटी है भाई साहब, बहुत ही जल्दी भाई अपनी गाड़ी जो यहाँ पे फट गई। और भाई एकदम जो गाड़ी है भाई वो अपनी ख़त्म हो चुकी है यहाँ पे, देख सकते हो गाइस आप लोग भाई गाड़ी एकदम ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो गाइस अब जो हमारी अगली गाड़ी है यहाँ पे वो है भाई अपने टोयोटा की फॉर्च्यूनर 2014 मॉडल। और देखते हैं भाई जो अपनी फॉर्च्यूनर है भाई यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस भाई कैसी रहती है। और फुल थ्रॉटल दिया भाई यहाँ पे हमने अपनी फॉर्च्यूनर को, और भाई काफ़ी ज़्यादा स्पीड हो सकता है बच जाए। ओ भाई 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 नहीं बच पाई भाई, और हैंड ब्रेक लगा देता हूँ मैं यहाँ पे जल्दी से, और जल्दी से उतरो भाई साहब, भाग दूर माइकल दूर भाग। ओ भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई अपनी फॉर्च्यूनर है भाई, आग बुझ गई क्या भाई अभी मैं पास। ओ भाई साहब मैं इसीलिए भाई मैं पास नहीं जा रहा था, मुझे पता था भाई क्योंकि धमाके कभी कभी ना देर से होते हैं। और यहाँ पे जो भाई अपनी फॉर्च्यूनर है भाई 2014 वाली भाई, ये पूरी की पूरी भाई गाड़ी ख़त्म हो चुकी है। ओ भाई गाड़ी पूरी भाई ख़त्म हो गई यहाँ पे, और उसका टायर जो है ना भाई सर का वो गायब हो चुका है। तो भाई जल्दी इसको हटाते हैं और लेते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कार को। तो गाइस अब जो हमारी अगली गाड़ी है यहाँ पे वो है भाई महिंद्रा की XUV 700। तो देखते हैं भाई जो अपनी XUV 700 है भाई वो भी महिंद्रा की, अपनी थार भी महिंद्रा की थी, तो हो सकता है भाई जो अपनी XUV 700 है भाई यहाँ पे भाई इस टेस्ट को सर्वाइव कर जाए। और ये चली भाई अपनी महिंद्रा की XUV 700, और भाई यहाँ पे भाई साहब अपनी XUV 700 है भाई साहब आग लग चुकी है। मैं जल्दी से भाई हैंड ब्रेक मार देता हूँ यहाँ पे, भाई पूरी ड्रिफ्ट मार दी है मैंने यहाँ पे, और भाई साहब आग बुझ गई। नहीं 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 भाई पास नहीं जाऊंगा। ओ भाई साहब ओ भाई गेट वे टूट के कितनी ज़्यादा दूर जाके गिरे हैं भाई भाई भाई, यहाँ पे जो डिग्गी है भाई इस गाड़ी की वो भी उड़ गई है, और सनरूफ तो आप लोग देख ही सकते हो भाई ख़त्म ही हो गई है गाड़ी की एकदम। ओ भाई बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो गई भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी की। तो भाई इसको जल्दी से यहाँ से हटाते हैं और लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइस अब जो यहाँ पे हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी सुजुकी स्विफ्ट। तो देखते हैं गाइस जो अपनी सुजुकी स्विफ्ट है भाई यहाँ पे भाई इस टेस्ट को सर्वाइव कर पाती है कि नहीं। और भाई गाड़ी अपनी काफ़ी नीचे, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा ना भाई फ्लेम्स ऊपर से निकल जाए। ओ भाई साहब यहाँ पे मुझे लगा था ये फ्लेम्स ऊपर निकल जाएंगे, लेकिन भाई फ्लेम्स तो भाई हर जगह है भाई। और गाइस अपनी स्विफ्ट में भाई आग लग चुकी है, लेकिन भाई गाड़ी झटके वटके नहीं दे रही है, लेकिन मैं फिर भी जल्दी से उतर जाता हूँ इस गाड़ी से कहीं ये फट ना जाए। और भाई यहाँ पे जो आग है भाई वो पूरी लग चुकी है गाड़ी पे, मुझे लग रहा है सारे टायर्स के फट चुके हैं, और भाई गाड़ी किसी वक्त फटती होगी भाई ये। और भाई साहब गाड़ी अपनी जो स्विफ्ट है भाई ये फट क्यों नहीं रही है, बैठ के देखूं क्या यार इसमें, बैठ के देखता हूँ। ओ भाई यहाँ पे जो भाई अपनी गाड़ी है भाई स्विफ्ट वो भाई चालू कंडीशन में है, ओ भाई लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है भाई। तो गाइस यहाँ पे अपनी गाड़ी है भाई ये स्टार्ट नहीं हो रही है, लेकिन भाई जो गाड़ी भाई वो फटी भी नहीं। तो मैं तो कहता हूँ भाई ये अपनी जो गाड़ी है ना भाई अपनी स्विफ्ट भाई इसको भाई यहाँ पे पास कर देते हैं भाई इस टेस्ट में, क्योंकि भाई ये गाड़ी जो है भाई बिल्कुल भी फटी नहीं है। हालाँकि भाई आगे पीछे कहीं नहीं जा रही है, लेकिन भाई गाड़ी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर सर्वाइव कर गई है। तो भाई यहाँ पर जो स्विफ्ट ने कमाल किया है ना भाई वो कमाल तो किसी ने नहीं किया, मतलब एकदम अधमरी सी हो गई है गाड़ी, ना ही चलने लायक है और ना ही भाई एकदम ख़त्म बोल सकते हैं भाई इस गाड़ी को। तो भाई इसको भी यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं यहाँ पे अपनी थार, और भाई साहब अपनी जो स्विफ्ट भाई वो इस टेस्ट को कर पाएंगे। देखते हैं भाई अगली कौन सी गाड़ी है भाई जो इस टेस्ट को कर पाती है। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी ह्यूंडई वेन्यू। तो देखते हैं गाइस जो अपनी वेन्यू है भाई यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और भाई यहाँ पे अपनी वेन्यू की स्पीड काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन गाइस जो अपनी वेन्यू है भाई वो यहाँ पे ज़रूर फेल हो गई। और भाई साहब ब्रेक फेल हो गया यार, हैंड ब्रेक लगाना भूल गया। और भाई यहाँ पे वेन्यू की आग जो बुझ चुकी है, मैं फिर भी दूर हो जाता हूँ, कहीं ये फट गई मुंह पे तो दिक्कत हो सकती है। और देखते हैं गाइस यहाँ पे जो गाड़ी अपनी सरवाइव कर पाती है कि नहीं, और मुझे लग रहा है भाई अपनी वेन्यू भी यहाँ पे जो है बच गई है, पास जाता हूँ इसके, देखते हैं भाई क्या सीन है गाड़ी का। और भाई अपनी जो वेन्यू है भाई वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन भाई इसका बिल्कुल भी एक भी टायर नहीं बचा है, आप लोग देख सकते हो भाई बिल्कुल टायर नहीं बचे हैं भाई, स्पार्किंग हो रही है भाई, नीचे चिंगारियाँ निकल रही हैं, लेकिन जो गाड़ी है भाई वो अपनी चल रही है यहाँ पे, कमाल की बात है। तो भाई अपनी जो वेन्यू है भाई यहाँ पे वो भी भाई अपने इस टेस्ट को जो है सर्वाइव कर गई है। तो भाई इसको भी हम लोग वहाँ पार्किंग पर लगा लेता हूँ, मुझे नहीं पता भाई मैं इसको पार्किंग पर कैसे लगाने वाला हूँ,
गाड़ी यार इतना ज़्यादा स्किड मार रही है ना, जैसे पूछो ही मत। और ब्रेक तो भाई इसके पूछो मत लगने नहीं वाले, क्योंकि टायर ही नहीं है तो ब्रेक कहाँ लगेंगे। और यहाँ पे गाइस जो हमने अपनी वेन्यू है भाई वो पार्क कर दी है, हालांकि गाड़ी में टायर नहीं बचा लेकिन अपनी गाड़ी चालू है और स्विफ्ट भी भाई अपनी बच गई है जैसे तैसे, बस स्टार्ट नहीं हो रही किसी वजह से। तो लेते हैं भाई अपनी नेक्स्ट कार को अभी यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी वो है भाई अपनी ह्युंडई वर्ना। देखते हैं गाइस अपनी वर्ना है भाई इसकी परफॉर्मेंस भाई यहाँ पे कैसी रहती है। तो ये चली गाइस अपनी ह्युंडई वर्ना यहाँ पे, और गाइस अपनी वर्ना के टायर्स में आग लग चुकी है। तो भाई इसको लेके चलते हैं, आगे मैं आगे जाके हैंड ब्रेक लगाने वाला हूँ भाई। ओ भाई साहब हैंड ब्रेक भी नहीं काम कर रहा है इसका, तो जल्दी से भाई इस गाड़ी से उतर जाते हैं। और भाई साहब लपटे आप लोग देख सकते हो भाई, गाड़ी से बहुत ही ज़्यादा भयंकर निकल रही हैं और चारों टायर्स भाई गाड़ी। ओ भाई साहब यहाँ पे गाइस जो अपनी वरना है भाई वो सर्वाइव नहीं कर पाई। मुझे लगा था भाई शायद कर जाए, क्योंकि अपनी इतनी गाड़ियाँ अभी करी हैं सर्वाइव, दो गाड़ियाँ लगातार, तो मैं लगा था कि भाई अपनी वरना भी कर जाएगी। लेकिन गाइस जो अपनी वरना है भाई वो यहाँ पे फट चुकी है। तो भाई लेते हैं अपनी नेक्स्ट कार को। तो गाइस यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी ह्युंडई की i10 नियोस। तो देखते हैं गाइस जो अपनी i10 है भाई यहाँ पे वो कैसा परफॉर्म करती है। और भाई हमने i10 का नियोस का कलर अपना चेंज किया, तो बताना गाइस कलर इसका कैसा लग रहा है यहाँ पे। और ये चली भाई अपनी i10 नियोस, और भाई साहब बहुत ही ज़्यादा स्पीड में निकली ये गाड़ी। तो इसको यहाँ खड़ा करते हैं, और भाई इसके तो ब्रेक्स काम कर रहे हैं एकदम बढ़िया से। ओ भाई देखते हैं भाई क्या होता है यहाँ पे। तो मैं दूर जाता हूँ, भाई साहब टायर्स तो फट गए इसके, दो टायर्स फटे हैं, और ओ भाई तीसरा ही फट गया। और देखते हैं भाई यहाँ पे क्या होता है। मुझे लग रहा है भाई अपनी छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर रही हैं भाई इस टेस्ट में। और भाई इसका एक टायर अभी भी बचा हुआ है, पता नहीं कौन सा बचा है, लेकिन देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे जो भाई अपनी वरना है, मतलब कि अपनी सॉरी वरना कह रहा हूँ, यहाँ पे जो अपनी नियोस है भाई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से बची है। और इसका जो आगे का इधर का टायर है ना भाई खाली, ओ भाई चारों टायर फट चुके हैं भाई इसके। लेकिन जो गाड़ी है वो भाई आप लोग देख सकते हो भाई अपनी चालू कंडीशन में, तो अपनी जो i10 नियोस है यहाँ पे गाइस वो भी सर्वाइव कर गई है। तो भाई इसको मैं यहाँ पे पार्क कर देता हूँ। और भाई यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई अपनी चार गाड़ियाँ भाई बच गई हैं। तो भाई जल्दी से लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी को। तो गाइज़ यहाँ पे जो हमारी अगली गाड़ी है वो है भाई अपनी वितारा ब्रेज़ा। तो देखते हैं गाइज़ अपनी वितारा ब्रेज़ा है भाई उसकी पर हम कहते हैं फुल थ्रॉटल। और ये चली भाई साहब, ओ भाई 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 यहाँ पे वितारा ब्रेज़ा भाई इतनी पलटते पलटते बची है। और गाइज़ यहाँ पे अपनी वितारा ब्रेज़ा में लग चुकी है आग। और भाई ये तो भाई बहुत ही ज़्यादा झटके ले रही है, मुझे लग रहा है भाई फिनिश पॉइंट तक भी नहीं पहुँच पाएगी, तो मुझे इसको यहीं पर ही रोकना पड़ेगा। और जल्दी से मैं इस गाड़ी से उतर जाता हूँ। ओ भाई भाई टायर फटने शुरू हो चुके हैं। ओ भाई साहब यहाँ पे तीन तीन गाड़ियाँ कैसे निकल आई भाई। ओ भाई इसकी चैसी और इसकी बॉडी भाई यहाँ से अलग हो चुकी है, आप लोग देख सकते हो भाई क्या हालत हो गई है भाई गाड़ी की। ओ भाई साहब मतलब गाड़ी की हालत ही ख़राब हो चुकी है। ओ भाई तो गैस जल्दी से इसको यहाँ से हटाते हैं भाई। तो गैस यहाँ पर हमारी आखिरी गाड़ी वो है भाई अपनी टाटा सफारी 2021। तो देखते हैं गैस अपनी ये वाली सफारी है उसकी भाई जो परफॉर्मेंस है भाई कैसी निकल के आती है। और भाई इसकी जो स्पीड है भाई बहुत ही ज़्यादा धीमी, क्योंकि गाड़ी अपनी बहुत ही ज़्यादा हैवी है। और गाइस यहाँ पे जो अपनी सफारी है 2021 वाली भाई इसमें भी आग लग चुकी है, तो मैं इसको जल्दी से भाई यहाँ पे रोक देता हूँ। और भाई साहब ओ भाई आग गायब हो गई है इसके अचानक से। ओ भाई भाई टायर फटने शुरू हो गए, मैं जल्दी से भाई इस गाड़ी से दूर हो जाता हूँ। ओ भाई साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई जो अपनी टाटा सफारी है भाई, ओ भाई इसके टायर्स आप लोग देख सकते हो भाई कैसे हो गए हैं भाई, एकदम फट गई अपनी ये वाली गाड़ी भी। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी टाटा सवारी भाई वो भी फेल हो गए, लेकिन भाई जो अपनी जो जो गाड़ियाँ बची हैं भाई यहाँ पे वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भाई अपनी जो स्विफ्ट है भाई वो बच गई है यहाँ पे, अपनी जो महिंद्रा थार है बच गई है, अपनी वेन्यू बच गई है, और भाई अपनी i10 बच चुकी है। तो भाई सबसे परफेक्टली भाई जिस गाड़ी ने किया है वो है भाई अपनी महिंद्रा थार यहाँ पे। तो गाइस उम्मीद है भाई आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और हमारा जो फायर चैलेंज है वो पसंद आएगा। पसंद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।